नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को मालूम चल ही गया होगा मेरे थंबनेल से और मेरे टाइटल से कि मैं DCS सिस्टम सीरीज़ का ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, न्यू पार्ट है। अगर आपने मेरे DCS सिस्टम सीरीज़ के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं उनका प्लेलिस्ट का एक आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं हम अपने DCS का PLC का जो भी प्रोग्रामिंग करने के लिए, हमारे जो हार्डवेयर जो हमारे IOs होते हैं उनको कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर का हम लोग कैसे यूज करते हैं, आज मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा, ठीक है, उसका ओवरव्यू दूंगा कि उस सॉफ्टवेयर का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉम्पैक्ट कंट्रोल बिल्डर AC800M है ये दोस्तों, और इसका वर्जन है दोस्तों 5.1.0, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करके और आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग चैनल असाइन करते हैं, कैसे हम लोग हार्डवेयर को असाइन करते हैं, कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ मैं DCS सिस्टम सीरीज़ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, जैसे जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी मेरे आगे जो भी वीडियो आएंगे अब वो इसी से रिलेटेड आएंगे, मेरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आएंगे कि कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे हम लोग इस पे वर्क करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अगर अभी आपके पास टाइम ना हो तो लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक हम लोग न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे AC800M है हमारा, और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट के नाम से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारा ये प्रोजेक्ट लोड होने लगा है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट फिनिश हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जो नाम दिया इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, लाइब्रेरी है, एप्लीकेशन है और कंट्रोलर्स है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि इन क्या क्या इसमें फंक्शन होता है, क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या यूज हम लोग आगे जो करेंगे वो सब कुछ मैं आपको अभी इस वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों। तो इस लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम है, बेसिक लाइब्रेरी है, आइकन लाइब्रेरी है और हार्डवेयर है। तो सिस्टम लाइब्रेरी में क्या क्या है, डेटा टाइप्स है, ठीक है, डेटा टाइप्स में आपके जो भी आप डेटा टाइप्स यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन है, फंक्शन में भी जो भी आप बूल टू इंटीजर, बूल टू रियल जो भी आप यहाँ पे यूज करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डिन टू टाइम, डिन टू वर्ड, ठीक है, डिन टू इंटीजर। तो ये सारे के सारे हमारे प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले हैं, तो आगे इन सभी का यूज होगा वो आगे की वीडियोज़ में जब मैं लेके आऊँगा लॉजिक पे, प्रोग्रामिंग पे, तो आपको समझ में आएगा। बट आप यहाँ पे ये समझिए कि क्या क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर है, हार्डवेयर जो भी हमने बताए थे आपको CI840, ये प्रोफिबस कम्युनिकेशन, सारा सब कुछ बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो आप लास्ट वीडियो मेरे ज़रूर देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने DCS सिस्टम पे पूरा शुरू से लेके और अभी मैं बनाते ही चला जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 4-5 पार्ट हो गए हैं, ये मेरा जो है 5th पार्ट होगा शायद ये, ठीक है, 5th या 6th पार्ट होगा DCS सिस्टम सीरीज का। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हमारे क्या है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे कनेक्टेड लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी लाइब्रेरी यहाँ पे आप कनेक्टेड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है, कनेक्ट लाइब्रेरी करके। उसके बाद है यहाँ पे प्रोग्राम, प्रोग्राम्स में आपके
तीन टाइप के प्रोग्राम हैं, एक है फास्ट है, एक नॉर्मल है और स्लो है। तो हम लोग जनरली कोशिश करते हैं फास्ट में ही हम लोग प्रोग्राम जो है बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स में आपके जो कंट्रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है, पैनल में, वो यहाँ पे कंट्रोलर्स असाइन करने पड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही शो कर रहा है। अगर आपको आपके पास बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू कंट्रोलर या इंसर्ट कंट्रोलर करके आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक इंसर्ट करके ही दिखा देता हूँ। न्यू कंट्रोलर, मान लीजिए मैंने एक नया कंट्रोलर मैंने लगाया और उसका मॉडल है, यहाँ पे कई टाइप के कंट्रोलर्स हैं, बट यहाँ पे हमारा जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, PM864, ठीक है। यहाँ पे आप उस कंट्रोलर्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं और उस कंट्रोलर्स का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तभी आपका कम्युनिकेशन करेगा इस हार्डवेयर से, इस पीसी से, ठीक है दोस्तों। तो जैसा यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया 0.1, और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपका वो कंट्रोलर्स यहाँ पे देखिए आ गया है। अब इस कंट्रोलर्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, कनेक्टेड एप्लीकेशन, कौन कौन से आप एप्लीकेशन कनेक्टेड करना चाहते हैं, कनेक्टेड लाइब्रेरी, हार्डवेयर AC800M, ठीक है, टास्क। तो हार्डवेयर में जाएंगे तो आपको जो हमारे जो आयोज कार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका रीडर हो गया, ईथरनेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईपी मॉड्यूल बस हो गया। तो ये जो ईथरनेट है, ईथरनेट क्या है, हमारा जो कंट्रोलर से हमारे पीसी को जो कम्युनिकेशन कराने के लिए ये यहाँ पे ईथरनेट का यूज किया गया है। तो इस ईथरनेट का जो आईपी एड्रेस होगा वो भी दोस्तों आपको आपके पीसी के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। 1 करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा देखिए 0 एरर, 0 वार्निंग, मतलब कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल बस। मॉड्यूल बस में क्या होता है हमारा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जो भी हमको आयोज कनेक्ट करने हैं, ठीक है, जो भी हमारे AI, AO, DI, DO, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट्स कार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक ड्राइव ले लिया, ABB इंजीनियर ड्राइव ले लिया, ठीक है, उसको मैंने इंसर्ट किया। अब यहाँ पे पोजीशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने नंबर पोजीशन पे रखना है इसको। मान लीजिए मुझे 101 पे रखना है तो ये मैंने 101 पे करके इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मुझे AI810 एक AI कार्ड लेना है, एनालॉग इनपुट कार्ड लेना है, तो उसका पोजीशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1 नंबर पे उसको रखना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, अभी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद मान लीजिए AO810 एनालॉग आउटपुट मेरे को लेना है, 2 नंबर पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं एक ले लेता हूँ DI810, ठीक है, ये 3 नंबर पोजीशन पे, वो यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं DO810, ठीक है, वो 4th नंबर पोजीशन पे। तो ये सारे के सारे जो मुझे कार्ड्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं जो जो मैंने कार्ड सेलेक्ट किए वो यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। तो AI810, AO, DI, DO और ABB इंजीनियर ड्राइव। तो जैसे हम लोग इसमें डबल क्लिक करेंगे, सॉरी इसमें, तो जैसे हम AI810 में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे AI हमारा 8 चैनल इनपुट्स होता है दोस्तों, AO हमारा 8 चैनल आउटपुट होता है दोस्तों, DI 16 चैनल इनपुट्स होता है और DO हमारा 16 चैनल आउटपुट होता है। ये सारे के सारे मैं आपको मेरे सेकंड DCA सिस्टम सीरीज का सेकंड पार्ट्स में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने उस पे हार्डवेयर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 8 चैनल आपका इनपुट कार्ड है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल और IO डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे, ठीक है। इन सभी में ये डिटेल है कितना हमको
प्रॉपर्टीज क्या रखनी है, मिनिमम मैक्सिमम यूनिट क्या रखनी है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या रखना है, स्टेटस क्या है यहाँ पे, यूनिट स्टेटस क्या है, सेटिंग में क्या है, ये सारा का सारा हम लोग बात करेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर का। तो जैसा कि आप यहाँ पे तो समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, हम लोग ने हार्डवेयर भी इंसर्ट करके देख लिया, कैसे उसको कम्युनिकेशन कराएंगे वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलिए अब एक और बता देता हूँ कि प्रोग्राम मान लीजिए हमको बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे, ठीक है, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रोग्राम मिलेगा। अब प्रोग्राम में मान लीजिए आपको न्यू प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम का नेम लिखेंगे कुछ भी, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए बॉयलर लिख दिया, अब बॉयलर में ओके करेंगे तो ये न्यू प्रोग्राम आ गया बॉयलर। अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इसको, और यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करते ही यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए बॉयलर लॉजिक के नाम से मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सी लैंग्वेज में आपको ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम FBD में ही बनाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट हम लोग जो आगे जो बात करेंगे वो FBD में ही करेंगे, इसलिए मैं FBD सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो अभी ये दूसरा पेज ओपन हो गया है, ठीक है, FBD का, और यहाँ पे जो भी आपको लॉजिक बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, वो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट फंक्शन करेंगे, और यहाँ पे देखिए जो भी आपको गेट चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, सारा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी नो कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ में, जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर कोई इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।